हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है उपदेश में। तो आज हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है और इसका नाम है पिलो। पिलो मतलब आप इसको तकिया कहते हैं, है ना, इसको सराहना कहते हैं। संस्कृत में इसको उपधानम कहते हैं, उपधानम। और तेलुगु और तमिल आई डोंट नो किस में कहते हैं, लेकिन इसको खांड माल कहते हैं, खांड भाल या खांड माल। वो याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारे साथ एक, हम जब हमारी हमारा जब प्रैक्टिस होता था उसके बाद हमको रूम अलॉट किए जाते थे रेस्ट के लिए। जब हम स्पोर्ट्स में थे, क्रिकेट का हमारा प्रैक्टिस होता था, तो एक एक लड़का था साउथ इंडियन, तो खांड माल में मांगता था। खांड माल है मुझे, था मुझको, थे खांड माल है मुझको, तो मुझे तब भी नाम था इसका नाम। आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज में कहते हैं, बट कहते हैं। तो पिलो इज एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये समझ के आप समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा पिलो तकिया एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने बहुत समय बिताते हो इसके साथ, लगभग 6-8 घंटे रोज बिताते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं पूछूंगा आपको इससे क्या पता क्या सोच रहे हो, क्योंकि क्या भी सोचो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्या समझ में आ गया उससे फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है पिलो जिसमें आप मिनिमम रोज का 6 से 8 घंटा उसके साथ बिताते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आप उसके साथ समय ना बिताओ अपने तकिए के साथ। 6 घंटा, 7 घंटा, मे बी 8 घंटा, 10 घंटा आप उसके साथ बिताते हो, ठीक है। तो बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बिताते हो उसको साइड रखा, चलो वो प्रोडक्ट ऐसा है कि चलो यूज किया रख दिया साइड में, कहीं भी पड़ा है कोई चिंता नहीं है, है ना। जैसे सोने लगे तो यूज कर लिया, तो बिल्कुल वैसा ही एक छोटा सा वस्तु है जिसकी कोई वैल्यू मेरे को लगता है नहीं किसी की नजर में भी। किसी को मारना उठा के फेंक दिया, क्या वैल्यू है उसकी। फट भी गया, टूट भी गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है। 50, 100, 200 रुपए का आता है, नया आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू निकल कर आती है जब सोने लगते हैं। अगर तकिया ना मिले सोने के टाइम पे तो नींद नहीं आती कईयों को, है ना। और कईयों को क्या, बहुत लोगों को नहीं आती। तो संभालने की वस्तु नहीं है, जैसे सोना, जो सोना चांदी, क्योंकि जब हम गोल्ड को संभाल के रखते हैं, बिकॉज गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है ना। मगर जितना भी एक्सपेंसिव है हमें सुख रोज नहीं देता, और ज्यादा भी नहीं देता, ज्यादा नहीं देता। कभी कभी बस दोस्तों यारों को रिश्तेदारी में दिखाने के लिए हम सोना पहन लेते हैं। सोना देखा जाए तो उतना सुख नहीं देता, उतना चैन नहीं देता। मगर जब हम सोना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो तकिया हमको बहुत हेल्प करता है। जो सोना है, सोने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सोना रात को नींद में सोना, और एक होता है सोना सोना चांदी। तो इसमें जो सोना चांदी वाला सोना है वो उतना सुख नहीं देता अगर देखा जाए हमें, ठीक है। हमें उसकी एक एक प्रोटेक्शन है, एक रक्षा के हिसाब से हमको देता है, लेकिन उतना नहीं देता। इसलिए कई वस्तु हमारे पास है जिनको हम संभाल कर तो रखते हैं, मगर उनका वो हमें सुख नहीं देते। कई ऐसी वस्तु हमें बहुत सुख नहीं देती, हम संभालते तो है लेकिन हमें सुख नहीं देती। और हो सकता है हमारा सुख चैन छीन जरूर ले वो वस्तुएं, ऐसा देखा गया है। उनका वो हमारा सुख चैन छीन लेती है, जिसके बाद बहुत सोना होता है वो तो बेचारा सो ही नहीं पाता। तो तकिया भी दे दो उसको तो टेंशन में नहीं सो पाता। इसलिए हम जिस वस्तु से सुख ले रहे हैं, जैसे हम तकिए से सोने का सुख ले रहे हैं, तो उसका मोल हम कुछ मोल नहीं है। और जिस वस्तु का हम सुख ले नहीं रहे, पर रखा हुआ है हमारे अकाउंट्स में, रखा हुआ है हमारे बैंक में, रखा हुआ है हमारे कभी कभी शादी ब्याह के लिए, लेकिन उसका हम मोल बहुत चुका रहे हैं, हम उसके लिए बहुत पे कर रहे हैं। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, हमें दिखाना है कि हमारे पास गोल्ड है, बुरे वक्त पे काम आएगा। एक्चुअली हमें लगता है बुरे वक्त पे सोना चांदी काम आते हैं, लेकिन भक्तों को पता है कि बुरे वक्त पे या तो भक्त काम आते हैं, भगवान काम आते हैं। और संसारिक लोगों की यही जो तो गणना है कि बुरा वक्त आ गया कौन काम आएगा। किसी भी समय आप पे कोई भी बुरा वक्त आए, प्रहलाद महाराज बोलते नाते विदुत स्वार्थ गति नि विष्णु दुराशय बहिर्थ मानी। तो जो लोग बाहर अर्थ मान के बैठे हुए हैं उनका बड़ा दुराशय होने वाला है, तो और किसी पर डिपेंडेंसी लेकर चलते हैं। लेकिन आप देखो ये तकिए का सुख, ये जो पिलो का सुख आप रोज लेना चाहोगे, चाहते ही हो,
रोज सोना जब आपको है, जब आपको स्लीप, क्योंकि सोना दो तरीके से निकल के आता है, तो जब आपको सोना है तो ये ऐसी वस्तु है हर कोई ले सकता है, इसका मोल हर कोई चुका सकता है, क्योंकि यह सस्ता है ना। हर मनुष्य की एक ये नेसेसिटी है, ये अनमोल तो नहीं है लेकिन उपयोगी ज्यादा है। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही अपने जीवन को बनाने, हम लोग बहुत ज्यादा अनमोल ना बने, हम उपयोगी बने। वो तकिया बहुत अनमोल नहीं है बट बहुत उपयोगी है, उसका उपयोग बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग करके आप बहुत ही सुख पा सकते हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, हमारी हेल्थ से जुड़ा है ना। कॉमन मैन की जरूरत है, और उसके बिना लगभग हमारा 33% जीवन जो है बिना तकिए के हम जी नहीं सकते, 33% जीवन का रोज का भाग है। और सोना चांदी हीरा जवाहरात हमारे जीवन का 33% भाग नहीं है, हम कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे सोते हैं। डिवोटी लोग 6 घंटे सोते हैं, बट एक कर्मी व्यक्ति रात को 10 बजे सो के सुबह 7 बजे ही उठता है, तो मतलब 9 घंटे, या 11 बजे सो के 7 बजे उठता है, 10 बजे सो के 6 बजे उठता है, क्योंकि वो जो सारा टाइम, क्योंकि वो एक तो भोग करते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, भोग से नींद ज्यादा आती है, आहार से नींद ज्यादा आती है, व्यय फालतू का व्यय संसार में, बुद्धि ज्यादा फालतू में लगाने से नींद ज्यादा आती है। तो उन लोगों को तो 100%, 33% लाइफ अपना तकिए के बिना उनका निकल ही नहीं सकता, 33%, क्योंकि तो आप 33% अपना जीवन तकिए के साथ निकालते। और ऐसी बुरी स्थिति आ गई आजकल, आजकल तो कोई ट्रेवलिंग में भी जाता है तो पिलो लेकर जाता है, उसके बिना हमारी गर्दन टिकती नहीं है, झुकती रहती है, गिरती रहती है, तो उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिना पिलो के। हम देखो ना कहीं आज फ्लाइट में हम जाते हैं तो लोग पिलो रखते हैं, पिलो के साथ क्या होता है कि गर्दन कहीं झुकेगी तब भी आपको नींद आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बिना हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है और उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। तो दो सोने हैं, एक है सोना गोल्ड और एक है सोना स्लीव। इन दोनों में से आई थिंक सोना तो इम्पोर्टेंट है, बट चॉइस आपकी है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सोना गोल्ड इम्पोर्टेंट है या आपको नींद लेना सोना जरूरी है। अगर आपने बहुत सारा सोना जो गोल्ड है, आपने बहुत सारा सेविंग कर भी लिया, सेविंग आपने कर भी लिया, मगर आपका सोना उड़ गया, आपकी स्लीप उड़ गई, तो फिर आपका क्या जीवन है ना। तो उस सोने के लिए, नींद लेने के लिए आपको तकिया चाहिए। तकिए की कॉस्ट कम है मगर सुख ज्यादा है, उसकी कॉस्ट हर कोई पे कर सकता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा है वो उतना उतना इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है उसकी उपयोग कितना है, उपयोगी कितना है, वस्तु कितनी अच्छी है वो उसका पता चलता है उसके उपयोग से, ठीक है ना। आपके पास बहुत सुंदर दिखने में पेन है, बहुत सुंदर है, लेकिन लिखने में वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या फायदा। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे एप्पल का फोन सबसे महंगा है, लेकिन जब हम इसको अपने काम में लाते हैं, जब मैं पर्सनली अपने एडवर्टाइजिंग काम में लाता हूँ, तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, आधी से ज्यादा एप्स ऐसी होती है जो उसमें रन ही नहीं होती, है महंगा, ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बिल्कुल बेकार है मेरी नजर में, क्योंकि मेरा काम पर्पज सॉल्व नहीं कर रही, उसको एप्स डाउनलोड ही नहीं होती। अभी हम फिरोजपुर से आ रहे थे तो मैं आनंद गोपाल के फोन पे बार बार मैप ऑन करता हूँ, वो मैप अपने आप ही चला जाता है, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स एप्पल बट इट्स नॉट उपयोगी, वो मेरे लिए उपयोग अनमोल हो सकता है, उपयोगी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है वो उपयोगी नहीं है, उपयोगी है, लेकिन मेरा उपयोग नहीं करी तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मेरे लिए मेरा एंड्रॉयड ठीक है, क्योंकि मैं कहीं भी रफ एंड टफ यूज कर सकता हूँ, है ना, मेरे को जो यूज करना है मेरे को इजिली एक्सेस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेटर है, लेकिन हाँ दुनिया उसको कह रही है वो बहुत अनमोल है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, बिल्कुल ऐसा, हम वो पूरा जीवन उन चीजों के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं, उन चीजों के लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं, उनके लिए अपना लाइफ डिजाइन कर रहे हैं, जो बहुत प्रयास करके हमको कमानी पड़ती है और बहुत उपयोगी नहीं है, बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जो सरलता से बिना प्रयास के हमको मिल जाए वो, उसके लिए हमारा कोई कोई हमारा कोई विजन ही नहीं है, हमारी कोई दृष्टि नहीं है। और वो साथ में एक्चुअली वो सरल भी है और साथ में उत्तम भी है, वो हमारे को सुख भी देती है, तो इसलिए हमारे लिए उपयोगी चीजें होना जरूरी है
अनमोल होना भी अच्छा है, अनमोल आप लीजिए रख सकते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उपयोग में तो ला सको, तो इसलिए कई चीजें उपयोग में नहीं आती। और कारण ये दिया जाता है भौतिक जगत में, जैसे आप उनकी ये चीज अच्छी है प्रभु जी, आप यहाँ ये चीज कमजोर जरूर है लेकिन उनकी वो चीज अच्छी है, तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहे ना। उनका जैसे उस फोन का कैमरा बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कैमरा हमें कितनी बार यूज करना है, कैमरा हमें मे बी कभी कभी यूज करना है, या जैसे हम किसी और अच्छे प्रोफेशन में बहुत यूज करना है, वो ठीक है वहां पे चलेगा, लेकिन हर चीज में उपयोग जरूरी है, जो रेगुलर यूज में चीजें की जाए चीजें तो जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे को जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए हमें हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, जो चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो सुख जो है, जब तक उपयोग का पता नहीं चलेगा तब तक सुख का समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बहुत सुंदर भागवत में बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयु वयः परम ना तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। तो बोलते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्य, केवल प्रयास करना और भौतिक सुख में अपने कर्तव्यों में लगाए रखना, उसमें सिर्फ एक ही घाटा है। क्या घाटा है? यत आयु वयः परम। तो आप जब भौतिक चीजों के लिए प्रयास करते रहते हो, अपने कर्तव्य समझ के उसको पालन करते रहते हो, तो इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, एक एक आपकी आयु और एक आपकी शक्ति। और आयु और शक्ति इन्वेस्ट कर भी आप वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, समझ रहे हो? आपने एनर्जी भी लगा दी, आपने टाइम भी लगा दिया, लेकिन फिर भी श्रम एव ही केवलम, आपको केवल श्रम ही मिलता है। और उसके आगे बोलते हैं न न तथा विन्दते क्षेमम, क्षेमम मतलब होता है लाभ, आपको क्या क्षेम मिला है, जीवन का अंतिम लाभ, जीवन का अंतिम लक्ष्य है लाभ। न विन्दते मतलब भोगना, प्राप्त करना नहीं मिल सकता आपको। अगर क्या क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मुकुंद चरणामृजम, क्योंकि आपने मुकुंद भगवान के चरणों को नहीं पकड़ा। इसलिए प्रभात जी लिख रहे, यदि कोई कृष्णा भावना भावित अमृत को लक्ष्य बना के प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने में से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। आप समझ गए? कोई लाभ आप फाइनली लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे, जो असली चीज आपको प्राप्त करनी है उससे आप वंचित हो। हाँ ठीक है, कुछ चीजें आपने प्राप्त कर ली जिनकी कुछ वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू कब तक है? जब तक आप जिंदा हो बस, उसके बाद उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद वो चीज बेकार है। तो इतना इतना उसके लिए एग्रेसिव होके अपना जीवन बिताने का कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं बताते। शास्त्र कहते हैं इट नॉट ए इंटेलिजेंट मूव, ये आपका बहुत इंटेलिजेंट मूव नहीं है। तो इसीलिए जैसे एक पिलो, एक तकिया, एक सोने से ज्यादा सुख दे सकता है और रोज दे सकता है। अब आप सो नहीं सकते अगर आपके पास तकिया नहीं, आपके पास अगर पिलो नहीं है आप सो नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते, आपका पूरा दिन ऐसे चला जाएगा। अगर आप नींद का सुख नहीं ले पा रहे तो ढंग से सो नहीं पा रहे, तो आप जीवन का क्या सुख लोगे जिस जीवन के लिए आप इतनी इकट्ठी कर रहे चीजें। इसी प्रकार हम जब अध्यात्म का आनंद नहीं लेंगे तो हम कैसे सुखी रह पाएंगे? अध्यात्म का आनंद नहीं लेंगे तो शरीर तो केवल सड़ रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन शरीर रोज एक दिन सड़ रहा है। ये शब्द शास्त्र बोलते हैं सड़ रहा है, कम हो रहा है। हमारा जितने जितने जन्मदिन हमारे आए जा रहे हैं उतने उतने साल हमारे जीवन के कम होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा जन्मदिन आ गया, हम बड़े हो गए, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि लोग जो जन्मदिन का जो ये माहौल होता है, तो इसका मतलब जन्मदिन आज से 150 साल पहले ही मनाया जाता था। तो लोग जन्मदिन में लोग जो भी कुछ करते हैं, खुशी मनाते हैं, वास्तव में उस खुशी मनाने का अवसर है ही नहीं। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, आपके जीवन का 1 साल कम हो गया, आप सोचते हो 1 साल बढ़ गया, तो ये भौतिक दृष्टि से तो 1 साल बढ़ गया, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आप जो कर्म कर्तव्य करने आए हो उस हिसाब से आपके जीवन का 1 साल कम हो गया। तो बिल्कुल भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा चलता है, जो भौतिक से दिखता है एक्चुअली में आध्यात्मिक से उल्टा होता है। भौतिक से जगत में जो आपको मजे लेने की इच्छा लग रही है, आध्यात्मिक से वही दुख है, और भौतिक से जो इस जगत में दुख दिख रहा है आपको, यहाँ पे माम उपेते पुनर्जन्म, वास्तविक में आध्यात्मिक के हिसाब से वो आप सुखी होते जा रहे हो। क्यों सुखी होते जा रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आ गया
ततो कुशलम क्षेमाय भवाश्रित। आपको समझ में आ गया और आप कुशल ताप के साथ उभे सुकृते दुष्कृते। भगवान गीता में बोल रहे, भागवत में बोल रहे, उभे सुकृते दुष्कृते। तस्मात तस्मात योग आए योगेश्वर, योग कर्म से कौशल। योग को कैसे करो, कर्म को कैसे करो कि योग बन जाए, और कुशलता से करो, कुशलता। तो इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयु वया न तथा विन्नते क्षेम मुकुंद चरणामृजम्। अपनी आयु को खराब मत करो, अपनी शक्ति को खराब मत करो, फालतू के प्रयासों में मत लगो। ये जो 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 कर्तव्य आपने इस जगत में बनाए हैं, वो कर्तव्य इसीलिए है कि वो कर्तव्य करते करते, वो कर्तव्य करते करते आप वो कर्तव्य क्यों है एक्चुअली। कोई लोग कहता है कर्तव्य करने से हम शुद्ध होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आत्म शुद्ध है, संत एक तो आत्म शुद्ध है। ये कर्तव्य इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जीवन जिया जाए, बेटे के प्रति, माता के प्रति, हमारे कुछ कर, हमारी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उजागर करने के लिए यहाँ पे कर्तव्य। क्योंकि ये कर्तव्य अगर हम अपनी अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे करेंगे, तो भगवान हमको उस कैटेगरी में ले आएंगे। भगवान कहेंगे या ये जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, ये जो मेरा बच्चा है, ये अपने कर्तव्यों में अच्छा है, तो मैं इस पे फोकस करता हूँ। अब इसको भक्ति भी देते हैं, क्योंकि जब ये संसार में इतना अच्छा सबके साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, यानी समाज में अच्छा निभाना सीख गया, अब ये थोड़ा सा ट्रेंड हो गया, इसको अनुभव आ गया, इसको अब थोड़ा ज्ञान देता हूँ मैं अध्यात्म का। फिर अध्यात्म में आते, फिर जब आप भगवान के साथ रिलेशन, सनातन रिलेशन को समझ पाओगे, फिर आप ढंग से निभाओगे, तो फिर आप समझ, तो आपका क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए धर्म कर्म से अच्छा है कर्तव्य करो, कर्तव्य से अच्छा है धर्म करो, धर्म से अच्छा है भक्ति करो, लेकिन सबसे गंदे कर्म से अच्छा है कर्म करो। इसलिए भगवान अर्जुन को 12वें अध्याय में गीता में ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कर्म करो, और कर्म करने से अच्छा है अपने जीवन में जो कर्तव्य बने हुए हैं उनको, कर्तव्य को, कर्मों को कर्तव्य के हिसाब से करो। अगर तुम्हें कर्म कर्तव्य समझ में आ गए हैं, तो कुछ धर्म भी करो, धर्म करो। जब तुम्हारा धर्म सही हो रहा है, कर्म सही हो रहा है, कर्तव्य सही हो रहे हैं, अब तुम उस लायक बन गए हो, तुम भक्ति कर सकते हो। क्योंकि अब जब तुम भक्ति करोगे, तो तुम्हारा अपग्रेडेशन ही होने वाला है, और अपग्रेडेशन होके ही तुम्हें अवसर दिया गया भक्ति करने का, वरना तुम्हें भक्ति करने का अवसर ही ना दिया जाता। ये सिस्टम है। इसलिए हम लोग जिन छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं अपने जीवन में, और वास्तव में वहीं से हमारा जीवन इग्नोर होने लग जाता है। जब बच्चा छोटी क्लास में नहीं पढ़ता ना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में, 8th तक, वो कभी बड़ा होकर पढ़ ही नहीं सकता। ये बात फैक्ट है। वो जितना मर्जी, हाँ, रेयर रेयर की बात नहीं कर रहे, कोई झटका लग गया, कोई एक एक कोई बड़ी बात दिमाग में आ गई, तो कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, मेजोरिटी मेजोरिटी लोग यही है, मेजोरिटी लोग यही है। एक एक माता जी थे, हम उनकी क्लास अटेंड करते थे। वो कहती थी अगर कोई अपने स्कूल लाइफ में सीरियस नहीं होता ना, तो वो अपना अनुभव बताती थी, वो भक्ति में भी कभी सीरियस नहीं होगा, जो स्कूल लाइफ में सीरियस नहीं है चीजों को लेकर, तो भक्ति में भी कभी सीरियस नहीं होगा, क्योंकि उसका हैबिट बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान लेना, लेकिन ऐसा भी नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग हमेशा रहते हैं। जब ज्ञान ले ले, किसी को कोई कृष्णा किसी को उठाना चाहे, तो कोई संकल्पित हो तो कृष्णा उसको उठा देते हैं। जब कृष्णा की जब जब भगवान किसी को उठाते हैं, फिर वो सही तरीके से उठ जाता है, फिर वो नहीं गिरता। उसकी 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 जो क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस है, वो उठ जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर छोटी चीज को अगर समझ आने लग जाए, तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्योंकि हम छोटी चीजों को नहीं समझते, इसलिए बड़े काम नहीं होते। भगवान प्रहलाद महाराज को खंभे में से भगवान क्यों दिख गए? क्योंकि उनको पता है कि भगवान तो सब सर्वज्ञ है। तो आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि पिलो एक क्या चीज है, पिलो की वजह से, पिलो से क्या चीज समझ, क्या पिलो से भी भगवान दिखते हैं? हाँ, अगर आपके अंदर आध्यात्म का बीज है, तो आप पिलो से भी भगवान को देख सकते हैं। बिना पिलो के सोना, ऐसा नहीं आप नहीं सो सकते, आप सो सकते हो, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है। अभी हम गए फिरोजपुर, तो वहां पे मेरे माइंड में कुछ पॉइंट आया कि व्हेन आई वाज स्लीपिंग विदाउट पिलो, तो मैंने सोचा हम पिलो पे ही कथा करेंगे, क्योंकि वहां पे बिना पिलो के सो रहे थे, बिना तकिए के, तकिए नहीं थे, बिना तकिए के सोए नहीं कभी जीवन में। तो वहीं पे माइंड ने काम किया कि ये टॉपिक बनाते हैं, ये टॉपिक समझेंगे।
टॉपिक से क्या, कैसे आप कृष्ण को हर समय स्मरण कर सकते हो। उसी क्षण मेरे मन में कृष्ण का मतलब भगवान का स्मरण आया कि यार एक चीज भी अगर जो हमारी डेली रूटीन के जिसकी हमारे जीवन में वैल्यू नहीं है, हम कभी पूछते नहीं है, लेकिन वो ना हो तो उसकी कितनी वैल्यू है। ऐसे ही हमारे माता पिता, हम उनको क्या समझते हैं, कुछ नहीं। वैसे ही भगवान, हम उनको क्या समझते हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही कोई भी चीज, जैसे कोई धनवान है उसके लिए धन की क्या वैल्यू है, लेकिन जब वो चीज नहीं रहती ना उसका समझ में आता है। और वैसे ही मनुष्य जीवन, आज तो आपके पास मनुष्य जीवन है, लेकिन जब ये नहीं रहेगा ना, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे हम लोग, तो समझ में आएगा मनुष्य जीवन की कितनी वैल्यू है। जब जड़ भरत हिरण बने ना, हिरण तो हिरण बनने के बाद उन्हें समझ में आया मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या, कि मनुष्य जीवन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हिरण के रूप से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये चीज उनको समझ में आ गई कि मैं आज हिरण बन गया हूँ, हिरण के रूप से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे मनुष्य दे ही चाहिए। तब उस समय दैट टाइम यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ, उस समय समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का असलियत में कितना महत्वशाली, कितना प्रभावशाली है मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जीवन काम के लिए नहीं मिला। भागवत कहती है कामस्य ना इंद्रिय प्रीति, ये जो मनुष्य जीवन है काम के लिए नहीं मिला। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति 1 to 10 लाभो जीवते यावत, ये कामस्य ना इंद्रिय प्रीति काम के लिए नहीं मिला, लाभ जीवते यावत। हाँ, इससे लाभ ले सकते हो, मनुष्य जीवन से लाभ ले सकते हो। कितना लाभ ले सकते हो, लाभ जीवते यावत, जीने के लिए जितना लाभ चाहिए लो, कपड़ा चाहिए लो, खाना चाहिए लो, रहना चाहिए लो, सोना चाहिए लो, लो बिल्कुल लो। जीवत से तत्व जिज्ञासा, जीवन मिला तत्व जिज्ञासा के लिए, ना अर्थो यच ही कर्म भी, और कोई अर्थ नहीं है इस मनुष्य जीवन का। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, हम और हमें दुख होना चाहिए, हर जीव को अपने अंदर ये दुख होना चाहिए कि मेरा मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है वो जीवत से तत्व जिज्ञासा, और हम तत्व की जिज्ञासा पे बहुत फोकस्ड है ही नहीं। ना तो यह थी कर्म भी, और इस जगत में हमारा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस जगत में अर्थ बना के बैठे हुए। इसलिए हम लोगों को समझना है कि जीवन में भगवान ने हमको बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है। क्या अपॉर्चुनिटी दी है हमें, अपॉर्चुनिटी दी है मनुष्य जीवन दे के, और मनुष्य जीवन दे के भगवान हमको यही सिखा रहे हैं कि जाओ और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हो करो। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम एक हिसाब से क्या कहते हैं, आत्मा हत्यारे हैं। जो नहीं कर पाता वो वास्तव में आत्मा हत्यारे है, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो हमको हमको बहुत सिंसियर होके, बहुत सीरियस होके किस विषय में रहना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। इसलिए जब तक, और हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना मनुष्य जीवन का रोज एक दिन दो दिन है ना, रोज आयु वर्ती है वे पुंसा, हमारी आयु रोज भर रही है। जैसे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य और चंद्रमा और सूर्य आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या चीज निकल रही है उसमें सबसे ज्यादा, हमारी आयु निकल रही है, हमारी आयु कम हो रही है, जो कि हमारे लिए बिग लॉस है देखा जाए तो। इसलिए लाइफ में छोटे छोटे दिन जो हमें मिले हुए हैं, उन छोटे छोटे दिनों को बड़ी बड़ी सेवाओं में लगा दो। 6-7-8 घंटे तो हम सो ही जाएंगे, लेकिन जितना समय उसके बाद बचता है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे सोते समय, जैसे हमने आज का विषय लिया, सोते समय जैसे हमें तकिया चाहिए, वैसे हमें रोज दिनचर्या में भगवान का नाम चाहिए। उसके बिना भी जैसे सो नहीं सकते, और भगवान को भगवान के नाम के बिना प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारा कोई कोई हमारे को कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत सिंपल सीधे तरीके से ये सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन किसने बनाया, और ये जो हमारा जो तकिया है ये कहाँ रखा जाता है, हमारे सिर के ऊपर, सिर के पास, और हमारे शरीर का सबसे ऊपर का स्थान है ना, सबसे ऊंचा स्थान है हमारा बुद्धि, उसी स्थान को हमको सुख देना है, बुद्धि को सुख देना चाहिए। इसलिए बुद्धि को कहते हैं उपधानम, उपधान ऊपर का उपधानम, उसका आश्रय लेना चाहिए, उसको सुख देना चाहिए, उसको सुरक्षित करना चाहिए। बुद्धि का सुख है ज्ञान, मन का सुख है संतोष,
और इंद्रियों का सुख है सेवा। तो ज्ञान के साथ की गई सेवा ही संतोष दे सकती है, वरना नहीं। ये बुद्धि है ना जो हमारा सिर है, ये जो हमारा सिर है जिसपे जिसमें बुद्धि बैठी हुई है, जिसपे हम तकिया रखते हैं, ये बहुत बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है इसमें, इसके ऊपर ताज भी पहनाया जाता है। कई लोग ताज पहनाते हैं। ताज क्यों पहनाते हैं? क्योंकि ताज पहनने से आप बहुत ही महान हो जाते हो, आपको लोग कहते हैं कि आप राजा हो। लेकिन उस ताज के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कितना भय है कि कोई भी आके मार जाएगा। और उस ताज की रक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस ताज को बनाए रखने के लिए राजा लोग उस ताज को बनाए रखने के लिए कितने नरसंहार करते हैं, कितने लोगों को मारते हैं। लेकिन एक तकिया है, वो भी सिर पे रखा जाता है, लेकिन उसके लिए कोई फाइटिंग ही नहीं है जिसका मन कर रहा है। बल्कि ये तो ऐसी चीजें दूसरे को भी दी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही सस्ती है और सुख देती है। उसी प्रकार ये तकिया रखने का अवसर केवल मनुष्य को है। केवल मनुष्य जीवन ही है जो आपको पर्पसफुल लाइफ में आगे लेके जा सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं न देहाद्यं सुलभम सुदुर्लभम। ये जो नए देह मिल गया तुमको मानव देह, ये क्या है? सुलभम, बहुत सुलभ है, बिना प्रयास के आपको मिल गया। सुलभम सुदुर्लभम, आपके पास सुलभम तो है, आपको मिल गया, सुलभ है आपके लिए, लेकिन सुदुर्लभम, लेकिन ये ऐसा है सुदुर्लभम, बहुत रेयर लोगों को मिलता है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और साथ में ये आपको नए देह मिल गया, और साथ में आपको प्लवम सुकल्पम। प्लवम कहते हैं नाव को, सुकल्पम, और सुकल्पम मतलब होता है अनुकूल हवा। एक आपको नाव मिल गई, अनुकूल हवा मिल गई, और दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल गया, और गुरु कर्ण धारम, और साथ में आपको गुरु मिल गए जो उस नाव को पार कराने वाले, मतलब गीता भागवत का ज्ञान मिल गया, और जो हमें सुदुर्लभ है मनुष्य जीवन वो मिल गया, और गुरु कर्ण धारण मिल गए, गुरु मिल गए। मया अनुकूल है नभस्त्व इरितम, और साथ में कहते हैं और अनुकूल नभस्त्व वायु भी मिल गई, अनुकूल वायु मिल गई। नभस्त्व मतलब अनुकूल वायु, मतलब आप अपना वो लेकर जा रहे हो, क्या कहते हैं उसको, अपना शिप लेकर जा रहे हो, और वायु आपको फेवर कर रही है, क्योंकि तो शास्त्र मिल गए आपको, शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, मनुष्य जीवन मिल गया। और उसको बोल रहे हैं मनुष्य जीवन को यहाँ नाव से कंपेयर किया गया, कैप्टन को, कैप्टन जो नाव चलाने वाला, उसको कंपेयर किया गया गुरु से, और हवा को कंपेयर किया शास्त्रों से, तीनों चीजों से। और बोलता है ये तीनों चीजें आपको मिल गई, पुमान भव अभिद्य ना तरे स आत्मा। और ये सब कुछ मिलकर भी, पुमान, पुमान मतलब पुरुष, भव अवध्यम, तो वो व्यक्ति कौन है? भवाद्यम मतलब ना तरे आत्मा आत्मा। और वो अगर तैर नहीं पाया, वो आत्महत्या है। आपके पास गुरु है, आपके पास मनुष्य जीवन है, और आपके पास शास्त्र है। तीनों के होने के बावजूद भी अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो आप यूजलेस हो, हम लोग यूजलेस हो। तो इसीलिए हम लोग यूजलेस है अगर हम हमको ये चीजें बड़ी सरलता से मिल गई। इसलिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे मनुष्य जीवन की कितनी वैल्यू है हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता उसकी कितनी वैल्यू है। उसी प्रकार नींद लेने के लिए तकिए की कितनी वैल्यू है हमको नहीं पता। कई लोग सोच रहे होंगे तकिए का क्या रिलेटिव, क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि बड़ा इजीली अवेलेबल है, हमको वैल्यू नहीं पता। जब नहीं होता तो वैल्यू पता चलती है, नींद नहीं आती, नींद लेना मुश्किल हो जाता है। और है कुछ भी नहीं, छोटा सा एक तकिया है आपके सिर के नीचे आता है बस। हाँ, लेकिन आदत बन जाती है वो बात अलग है। कई लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं जिनको सर्वाइकल होती है, ये तकिया ना लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीजों को हम लेते नहीं है, बट हम जनरल लोगों के लिए ले रहे हैं। तो ये हमारे जो जीवन का सबसे गंभीर विषय है वो यही है कि सरल से प्राप्त की गई चीजों को हम सीरियस होकर नहीं लेते। नहीं सुलभम सुदुर्लभम, हमको सुलभ सुलभ से मिल गया, लेकिन हमारे लिए सुदुर्लभम। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण, और हमारे लिए सुकल्प ये गुरु हमको मिल गए, हमारे कर्ण धारण बन गए। मया अनुकूल है नमस्तो तरी, तो अनुकूल हवा मिल गई,
भव अमित ना तरे स्व आत्मा, और नहीं तैर पा रहे हम तो हम आत्मा प्यारे। आगे नहीं बोलती हम लोगों क्या करना चाहिए, हम लोगों को सीरियस होना चाहिए इसको लेकर। इसमें ये मत ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से आपका काम चलने वाला, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से काम नहीं चलने वाला, सही इकट्ठा करने से काम चलने वाला, और उसके बाद सही इस्तेमाल से गुणवत्ता आने से आपका काम चलने वाला। तो इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता भैया, एक तो सही इकट्ठा करो और सही इकट्ठा करके उसको सही तरीके से यूज करो। इसीलिए लाइफ में जब चीजें सही इकट्ठी होने लगती है ना, तो लाइफ सही हो जाती है। इस जगत में लोगों के पास सब कुछ होते होने के बावजूद भी प्रॉब्लम के लोगों ने जो भी कुछ इकट्ठा किया है वो सही नहीं है, और वो जो इकट्ठा कर रहे हैं वही दुख देता है। जैसे बच्चा बनाया, संस्कार नहीं दिए, सही नहीं दिया, वही दुख दे देगा। धन बनाया, सही जगह यूज नहीं किया, लोग लूट के ले जाएंगे। बिल्डिंग बनाई और सही जगह यूज नहीं करी तो वो भी खत्म हो जाती है, और फिर वो रह जाते हैं पत्थरों का घर, वहां पे लोग नहीं रहते। उसी प्रकार लाइफ में जब सही चीज इकट्ठी होने लग जाती है, सही इकट्ठा करो। इसीलिए लाइफ में अगर पिलो रहेगा तो बिलो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बिलो मतलब हेड से नीचे का पार्ट सब फिट रहेगा, क्योंकि आप रात को सोओगे, आपको तकिए में नींद आती है, तो आपका पिलो आपका बिलो ठीक कर देगा, मतलब तो आपके गर्दन से नीचे का सारा पार्ट, क्योंकि आप सो जाओगे आपका शरीर ठीक हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी वैल्यू तब पता चलती है जब आप ज्ञान में भरते हो। तो इसलिए हर जगह भगवान है, आप हर जगह भगवान की वस्तुओं को समझ सकते हो। और अगर तकिया नहीं भी है, तो पहले जमाने में लोग तकिया नहीं लेते थे, तो हाथ को पिलो बनाते थे, हाथ के ऊपर सोते थे। केवल हाथ का काम कार्य करना नहीं होता था, रात को सोने के टाइम भी हाथ काम करता, रात को सोने के टाइम भी हाथ काम करता। तो ऐसा नहीं है कि हाथ सीधा उसी समय काम करता। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कर्माणि आरभते देहि देहेन आत्मनुवर्तिना, कर्म भी तन तु देहम उपभयम तु अविवेकता। भागवतम 7:47 यहाँ पे लिखते हैं कि जो जीव जिसे वह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, आप सबको, हमको और आपको, अपना यह वर्तमान शरीर, मोटा शरीर, पतला शरीर, काला शरीर, गोरा शरीर, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, सुंदर शरीर, बदसूरत शरीर, वॉट एवर शरीर, ये सारा शरीर आपको विगत कर्म के कारण, जो पहले कर्म किया उसके कारण प्राप्त हो, और अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है। लेकिन आप अगर बुद्धिमान हो तो आप इसी जन्म में देही देहिन आत्म अनुवर्तिना, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर से बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधन से मुक्त नहीं होगे, कर्मों के फलों को समाप्त कर सकते हो भोग के, आपको फल मिला आप भोग लो, समाप्त कर लो, किंतु ये नहीं है कि दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि भोगते समय भी कोई ना कोई कर्म करोगे। तो जीव को एक प्रकार का दूसरा शरीर मिलता है, और इस शरीर के कर्म कर करके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा शरीर मिलता रहता है। इस प्रकार वह अपने घोर अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। ये शरीर बदलने की जो हमने एक साइकिल चलाई हुई है ना, ये बहुत खतरनाक है। हमारी रोज साइकिल चल रही है यहाँ पे। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृत, हे अर्जुन बुद्धि युक्त बनो। दूसरे का 50वां श्लोक भगवद गीता, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान फोर्स कर रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे बुद्धि युक्त जहाति ही, बुद्धि लगाओ, जहाति मुक्त हो जाओ, किससे, उभे दोनों से, सुकृते दुष्कृते, अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से। तो यहां पर भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं, बुरे कर्म तो बुरे है ही है ऑब्वियसली, लेकिन अच्छे कर्म भी अच्छे नहीं है, वो भी बुरे, वो भी बुरे। जहाति ही,
उभे सुकृते दुष्कृते, तस्मात योगाय युयस्व, और तस्मात योगाय, और योग में लगो। और कैसे लगो? योग में क्यों लगे और कैसे लगे? योग कर्म कौशलम, कुशलता के साथ लगो। भगवान दूसरे अध्याय में, जब दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्मयोग की बात कर कर्म की बात करते हैं, तो उत्तम कर्मों की बात करते हैं, कुशल कर्मों का। तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताते हैं कि कैसे उन कुशल कर्मों को लाया जाए, लेकिन दूसरे अध्याय में हिंट दे देते हैं कि कुशल कर्म चाहिए, रिक्वायर है, रिक्वायर्ड है हमारी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में कुशल कर्म नहीं होंगे तो हमारी प्रगति रुकेगी, निश्चित रूप से रुकती है। तो ये जो छोटा सा तकिया है, जो आपको पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है, फेंकते रहते हो, पड़ा रहता है, जिसको कोई ध्यान नहीं देता, कभी पैर भी चढ़ जाता है, कभी गोड़ा भी चढ़ जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब रात को सोते हो। नींद नहीं आती बिना तकिए के, बिना पिलो के नींद नहीं आती, लेकिन तब पता चलता है जब सोना है। उसी प्रकार जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब समझ में आएगा यार मनुष्य जीवन तो भोगों में लगा दिया, तभी शरीर की वैल्यू पता चलेगी, ये वैल्यू कितना वैल्यूबल शरीर था जिसको भोगों में लगा दिया। और भगवान के लिए जो तपस्या होती है उससे आप शुद्ध होते हो, पता चलता है तपस्या क्या है। हम लोग तो सुंदर सा एसी चलाया सो गए, है ना, और सुंदर सा खाना बनाया खा लिया, लेकिन प्रचार करो पता चलता है कि कितनी मेहनत है। हम अभी गए तो हमने देखा कि खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, दो चीजों से एनर्जी मिलती है, खाने से और सोने से। तो वहां पे ये वैभव और अंतर्यामी खाने और सोने में ही बड़े बेकार है, खाने का इनका पता नहीं, ब्रेड खा रहे हैं तो कह रहे आज ब्रेड खाई, खाना सोना, लाइट नहीं होती रात को, इन्वर्टर है नहीं, एसी तो भूल ही जाओ, खाने रेस और फिर प्रचार कर रहे। आप समझ रहे हो तपस्या। हम वहां पे रात को 10 साढ़े 10 लेटे, 1:15 बजे लाइट आई, हम जागते रहे बिना पिलो के, मंजियों पे, ऊपर छत पे, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये क्यों क्यों तभी माइंड में माइंड में क्लिक कर गया टॉपिक पिलो, दैट टाइम इमेज सोच दिया गया, टॉपिक रखेंगे पिलो, तो सोच सकते हो क्या इसमें, सोच सकते हो सब कुछ। जब आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हो तो आप सब कुछ सोच सकते हो, फिर भी प्रचार करना। कितना आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो, कितना कृष्ण के लिए आप तपस्याएं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग करते हैं, बहुत मैंने देखा है, सारी दुनिया बड़ी बड़े आइडियाज देंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, ऐसा करना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन करने पे हो तो पता चलता है। इसलिए बड़ी बातें वही व्यक्ति करे जो छोटे काम करने में एक्सपर्ट है, वरना कोई किसी को हक नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने का। आई रियलाइज, अनुभव, कोई जरूरत नहीं है किसी को सजेशन, आइडियाज, ऐसा वैसा, कोई आइडिया, कोई जस्ट कीप योर सेल्फ यू नो शट एंड जस्ट टू फॉलो इट फर्स्ट। तब किसी को बोलो कि हाँ जो कर रहा है वो बहुत है, करने वाला हमेशा बड़ा है बोलने वाले से। बोलने वाला बड़े बड़े अगर प्लान भी दे रहा है वो भी बेकार है, अगर छोटा वाला केवल पानी का गिलास उठा के इधर से उधर कर रहा है, इज मच मोर देन एवरीवन, सबसे बड़ा है। जो करता है वो बड़ा है, जो सोचता है वो ठीक है, जो बड़ा बड़ा सोचता है 0% है करने पे, वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से हम छोटी छोटी चीजों को से भगवान को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है जीवन में, मुझे लगता है इस जगत में सबसे मुश्किल और सबसे हेल्दी और सबसे सुख देने वाला कार्य एक ही है, सबसे मुश्किल है वो है प्रचार करना, बिल्कुल प्रचार। और वो भी उस परिस्थिति में जहां पर कुछ फेवरेबल ही नहीं है, लोग फेवरेबल नहीं है, सबसे बड़ी चीज लोगों के पास आइडियाज ही नहीं है, लोग सोच भी नहीं सकते कि ये भी कुछ होता है। इतना विश्व अभी अज्ञानता से भरा हुआ, पूरा विश्व कृष्ण से उन्मुख है, पूरा विश्व, हर हर भारतवासी का हर घर में से एक प्रचारक निकलना चाहिए, हर भारतवासी के हर घर में से एक प्रचारक को निकलना चाहिए, तब भी आप इस पूरे विश्व को फीड नहीं करा सकते, इतने लोग अज्ञानी हैं, इतना अज्ञानता फैला हुआ है, वर्तमान विगत कर्म सहते जा रहे हैं और अगले उन्नत कर्मों का पता ही नहीं है। भक्त लोग जाते हैं आपके वर्तमान कर्मों को झिझोड़ते हैं और आपके आने वाले उन्नत कर्मों को डिजाइन करते हैं। केवल भक्त ही जीवन इस जगत में, मुझे लगता है केवल केवल प्रचारक का ही भगवान पे हक है, मुझे लगता है और किसी का हक नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
भगवान की संपत्ति है भगवान के प्रचारक। मैं अनुभव करता हूँ कि जो लोग प्रचार करते हैं भगवान की रियल एसेट है इस जगत में। उन लोगों के लिए हम लोगों को सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो रियल एसेट इसलिए क्योंकि वो भगवान। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? संपत्ति कब काम आती है? दुख में काम आती है, दुख के समय। जब मतलब दुख होते हैं तो हमारी संपत्ति हमारे काम आती है। तो जब इस विगत जगत में अंधकार अज्ञान का दुख है, केवल एक ही व्यक्ति है जो यहाँ से निकाल सकते हैं। भगवान तो निकाल सकते हैं, भगवान खुद नहीं निकलेंगे। भगवान ने कलयुग बनाया तो ऑब्वियसली बनाया, कले का युग है यहाँ पे। केवल भगवान के भक्त ही इस जगत से लोगों को निकाल सकते। सर्वेशम अपि भूतानां हरि आत्मने ईश्वर प्रिय, भगवान को सबसे प्रिय भगवान के भक्त, और कोई भगवान को इतना प्रिय नहीं है। इसलिए जो हरि को सर्वत्र बांटता है, हरि से हरि उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हरि किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? हरि खुद बोलते हैं कि मैं उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ जो मेरे को बांटता है। भागवतम में प्रहलाद महाराज गर्भ में सीखते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं लेता हूँ, क्यों वाइंड अप करेंगे, समय हो गया। 7753 ततो हरो भगवती भक्ति उपमायेन सर्वत्र सर्वभूत आत्मनि ईश्वरे। ये क्यों नहीं है इसकी? ततो हरो भगवती भक्ति कुरु दानव उपमायेन सर्वत्र सर्वभूत आत्मनि ईश्वर। यहाँ पे बोलते हैं, हे मेरे असुर पुत्रो, जिस प्रकार तुम सबने अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति को स्वीकार करो। भारत भूमि ले होइले जन्म जार, प्रभात जी आगे लिख रहे हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर तुम अपने आप को देखते हो तो भक्ति करो, तभी अपने आप को देख सकते हो, वरना हम अपने आप को नहीं देख सकते। कहने का क्या भाव है? हम ज्यादातर लोग जो भक्ति नहीं कर रहे वो अपने आप को देख ही नहीं रहे, हम है क्या? क्लियर प्रहलाद महाराज का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हम देख ही नहीं रहे हम है क्या। हम अपने आप को लड़की समझ रहे हैं, लड़का समझ रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। ज्यादातर लोग इस जगत में अपने आप को नहीं देख पा रहे। अब देख लो, लोग अपने आप को नहीं देख पा, किसी को पता ही नहीं कि वो आत्मा है, तो कोई नहीं समझ सकता अपने आप को। तो ततो हरि भगवती भक्ति करो तो दानव, भक्ति करो हे दानव, भक्ति करो। ओप मई है ना सर्वत्र, ओप मई है ना अपनी तरह सर्वत्र सभी जगह, सर्वभूतानि आत्मना जो समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा के रूप में स्थित है, ईश्वर नियंत्र परमेश्वर, वो ईश्वर को देखो। और जो अपने आप को नहीं देखता वो भगवान को नहीं देख सकता, उसको भगवान दिखते ही नहीं है। नहीं, जो भगवान को नहीं देखता वो अपने आप को देख ही नहीं सकता। आप सोचते हो आप शीशे के आईने में अपने आप को देख रहे हो, आप अपने भूत को देख रहे हो बस। जो व्यक्ति शीशे में लगा रहता है और अपने आप को देखता है वो अपने भूत को देखता है, अपने आप को नहीं देखता। अपने आप को तो देखने का मतलब ये है कि अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा के लिए कार्य करो, और आत्मा का कार्य क्या? भगवान को प्रसन्न करना। आगे बोल रहे इसी इसी में आगे बोल रहे हैं, दो तीन श्लोक बाद बोल रहे कि असलियत में आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है भगवान को प्रसन्न करना बस। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो वास्तव में देख पा रहा है, और वो सही सबसे सुंदर उसके पास आई जाए। ठीक है, तो वंडरफुल पिलो एंड यूज पिलो टू सेफ योर बिलो। एनीवे, इट्स अ कनेक्शन विद कृष्णा। हाउ कैन वी कनेक्ट कृष्णा? कैसे हम कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं? हर चीज को वी हैव टू लर्न इट, हम सीख सकते हैं। जब आप कृष्ण का स्मरण करोगे तो किसी भी चीज से कृष्णा आपसे वंचित नहीं है, हर चीज में आप कृष्ण को देख सकते हो। जब प्रहलाद महाराज खंभे में देख सकते हैं तो आप भक्त तकिए में भी देख सकते हो। भगवान तो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र गीयते है, सब जगह भगवान का ज्ञान है। इसलिए इसका कनेक्शन बहुत सुंदर है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको आप समझो, इसकी वैल्यू समझो। सुलभम सुदुर्लभम, ठीक है ना, निहदयाद्यम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण, और गुरु है मैं अनुकूल, और जो वायु है ये भी आपके अनुकूल है, फिर भी ना कर पाए तो आत्महत्या है। ठीक है, तो ये हमारा पिलो था, हमारा तकिया था, हमारा तकिया कलाम था एक्चुअली। पता नहीं आपको कितना पसंद आया, लेकिन हाँ हमें बहुत समझ में आया। हरे कृष्ण।
सुनो, हरे किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, और मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग मतलब काफी मनोधर्म में अटके हुए होते हैं, वो काफी कुंडली पे भरोसा करते हैं, तो क्या कुंडली हमारे जीवन में उतना इफेक्ट डालती है या नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। कुंडली जो है, नक्षत्र है, वो हमारे जीवन पे पूरा असर डालते हैं, लेकिन जितना जितना आपका विश्वास भगवान पे बढ़ता रहता है, उतना उतना कुंडली का इफेक्ट आपके जीवन में कम होता रहता है। तो उनके ऊपर कुंडली पूरा काम करती है। जो लोग भगवान से अभी जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों के लिए कुंडली जैसे भी काम करती है, लेकिन जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुंडली कुछ काम नहीं करती। कुंडली डिवाइन है उनके लिए, ठीक है ना? उनको कुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका आश्रय भगवान है तो आपके लिए कुंडली जीरो है। तो कुंडली कैसे काम करती है? अगर आपको 50% भगवान पे फेथ है तो आपकी कुंडली 50% आपके साथ सही काम करेगी। अगर आपका विश्वास भगवान के ऊपर 100% है तो 0% कुंडली आपके लिए काम करेगी। कुंडली काम ही नहीं करेगी आपके लिए। तो भक्त के लिए कुंडली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो कोई भी चीज है वो भगवान से जुड़ी हुई है। ये कुंडली उंडली से डरना नहीं चाहिए इनसे। ये कुंडलियां किसी भक्त का कुछ 0% भी नहीं बिगाड़ सकती। भानु दशम क्या है? हाँ, 1 मिनट। भानु दशम जन्म निशापति, मंगल बुध शिवा स्थनी लोके, जो गुरु हाय धर्म भवन के, तो मगरंदिर समुद्र नवी के। तो ऐसा बोला है। आगे बोलते हैं, तीसरो केत समेत विदु, गृहस्थ तो हरिवंश मन क्रम कोई, गोविंद छाड़ी भ्रमत दशो दशी, तो वा करी ना नवग्रह नीके। मतलब भानु दशम जन्म, जिनका भानु सूर्य 10 में होता है उसकी आयु कम हो जाती है। भानु सूर्य कभी 10 में नहीं होना चाहिए, उसका अनलकी रहता है लाइफ में। निशापति मंगल बुध शिव स्थली लोके, और निशापति जब चंद्र आपका मंगल और बुध एक लाइन में हो, चंद्र मंगल और बुध आपका एक लाइन में हो, तो आपको शिव सलील हो, तो आपका सब कुछ अमंगल होने वाला है। अगर आपका मंगल बुध और चंद्र तीनों एक लाइन में है, जैसे कहीं मंगलिक होते हैं ना, तो मंगलिक होते तो क्या, मंगल के साथ चंद्रमा का योग आता है तो मंगलिक हो जाते हैं। कहते हैं, लेकिन जो गुरु हाय धर्म भवन के, तो भृगनंद समुद्र नवीनी के। अगर आपका गुरु हाय, गुरु आपका नीचे है, छोटा है आपका गुरु, बड़ा नहीं है, और तीसरो केत, केत मतलब केतु, आपके तीसरे ग्रह में केतु है, समेत बिंदु ग्रस्त, तो आपका ग्रस्त जीवन बेकार हो जाएगा। बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, अगर आपके तीसरे में केतु है। लेकिन गोविंद छाड़ी भ्रमत दशो दिशा, लेकिन गोविंद छाड़ी भ्रमत दशो दिशा, तो वह करी का नौकरी के नीचे। लेकिन जितना उससे ज्यादा असर तब पड़ेगा जब आप गोविंद को छाड़ दोगे, छोड़ दोगे। तो तीनों दशो दिशाओं में आप भ्रमित होते रहो, लेकिन आप गोविंद के साथ जुड़े हो तो नवग्रह नीचे, आपका कोई नवग्रह कुछ नहीं कर सकता। आप भूल जाओ कि आपका नवग्रह कुछ गलत भी कर सकता है, आपका नवग्रह आपका बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ, समझ गए? और इसका उल्टा, इसका उल्टा, ये तो है सब अच्छा, सब गंगा, साथ में भगवान है अच्छे। अब आपका सब बहुत अच्छा है, द्वादश चंद्र 12वें स्थान में चंद्र है, वाह वाह, 12वें में जो जिसका चंद्र होता है ना, उसकी उसके अंदर बहुत पावर होती है। जिसके 12वें में चंद्र होता है ना, उसकी उसके अंदर बहुत पावर होती है। पावर मतलब शक्ति बहुत होती है, आयु ज्यादा होती है। मंगल बुध विरुद्ध सुरु गुरु बाका, जिसका मंगल बहुत ऊंचा है, गुरु बहुत ऊंचा है। यदि दशम नहीं, मंगल बुध विरुद्ध सुरु गुरु बाका, इसका सब कुछ छोटा है, गुरु छोटा है और द्वादश पे चंद्र, सब कुछ छोटा है। जो भाई कृष्ण चरण मन अर्पित, तो वही करी कान नवग्रह राखा। अगर उसका सब कुछ ही गलत है लेकिन कृष्ण चरण है, पहले वाला उल्टा था। पहले वाला क्या था? कृष्ण को छोड़ के गोविंद छाड़ी और भानु दशम, भानु दशम अच्छा होता है, गलत नहीं होता होगा, तो उल्टा बोल दिया मैंने। भानु दशम में अच्छा है,
ये तीनों एक में है वो अच्छे हैं। अब उल्टा हो गया, अगर द्वादश पे चंद्र है तो बहुत बुरा है, और मंगल बुध अगर जिसके नीचे है, लेकिन जो भय कृष्ण चरण मन अर्पित है, लेकिन आपका मन और भगवान में अर्पित है, तो वही करी का नवग्रह रहता, तो उसका नवग्रह कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर आप भगवान से जुड़ोगे, आपको किसी फालतू की चीजों में भागने की जरूरत नहीं है। टेवा टूवा, ये कोई कोई भक्तों को कभी टेवा मिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टेवा भगवान से मिला हुआ है। आप कोशिश करो सारे लोग अपना जो मिलान है भगवान से कर लो, तो आपको टेवों की जरूरत नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली मिली है नहीं मिली। आपकी कुंडली क्या भगवान की कुंडली से मिली है? अगर आपकी कुंडली भगवान की कुंडली से मिली है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली भगवान की कुंडली से नहीं मिली तो आपको सारी टेंशन है। सब कुछ फॉलो करो, ओके। वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी पे, आपकी डिवोशन की क्या इंटेंसिटी है। अगर आपकी डिवोशन की गहराई है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी डिवोशन बहुत हल्की है तो ऑब्वियसली ग्रह का फर्क पड़ता है। नवग्रह अपने काम क्यों नहीं करेंगे? मैं अध्यक्ष न प्रकृति, भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति में जो जो एलिमेंट है सब काम करते हैं, बिल्कुल काम करती है। उनपे काम करती है जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, उनपे काम करती है जिनका इस संसार में बहुत आसक्ति है, लेकिन जो भगवान बोलते हैं योगी कर्म कुरवंती संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया, जो योगी बिना आसक्ति के कार्य करता है उसके लिए कोई चीज काम नहीं करती, क्योंकि उसकी सारी चीजें आत्मशुद्धया, उसकी शुद्धिकरण के लिए। इसलिए काम करो, काम करने से सब ठीक होगा। भगवान के लिए काम करना ही वास्तव में काम है। जो काम अर्थ लोभ है ना, काम अर्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो काम वास्तव में भगवान के लिए सेवा ही है, और वो धर्म भगवान के लिए किए गए अनुष्ठान ही है, और वो मोक्ष कुछ नहीं है, भगवान का धाम ही है, और वो अर्थ का कोई मतलब ही नहीं है भगवान की सेवा में ना लगे तो। भक्ति सिद्धांता बोलते थे हम कब तक दुखी रहेंगे धन के साथ, कब तक दुखी रहेंगे। भक्ति भक्ति सिद्धांता कहते हैं जब तक अपनी कमाई का 50% भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक दुखी रहेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। भक्ति सिद्धांता ने अनाउंसमेंट कर दी हमें, बोलते हैं भक्ति सिद्धांता बोलते हैं एक धनवान व्यक्ति कब तक दुखी रहेगा, तो भक्ति सिद्धांता बोलते हैं जब तक अपनी कमाई का 50% भगवान को नहीं देगा। कहते हैं वैसे तो मेरे हिसाब से तो 100% देना चाहिए, लेकिन 50% जेन्युइनली नहीं देगा तब तक एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति दुखी रहेगा। तो कमाई का मतलब संपत्ति का नहीं, कमाई का। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला छोड़ो तुम 50%, तुम्हारी इतनी तुम्हारे पास भोग इतने हो चुके हैं, तुम 10% जेन्युइनली देना शुरू करो, जेन्युइनली, तो भी प्रभुपाद जी की कृपा से ठीक हो जाओगे, तो भी ठीक हो जाओगे। 1 लाख कमाते हैं ईमानदारी से 10,000 रुपए भगवान को दे दो, भगवान के प्रचार में। मैं 100% मैं क्या शास्त्र, कभी आपको किसी डॉक्टर के पास, ये जो जितना आपका महीने का 10-15 हजार डॉक्टर लेते क्यों लेते, इसलिए लेते क्योंकि रीजन यही है, क्योंकि आपका मेरी मदर 70 ईयर्स की है, कोई गोली नहीं खाती 70 साल में, एक दवाई नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि समान सेवाएं करते हैं, कई लोग नहीं खाते, कई लोग 50 साल से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 10% निकालते ही नहीं है, वो तो निकलेगा ही। इसलिए आप लोग सब लोगों को समझना चाहिए कि धन का असली क्षेमम यही है, क्षेमम न विद्यन्ते बिना यद अर्पण। याद रखो कभी हाथ पैर टूटे, कंधा टूटे, मोड़ा टूटे, सिर टूटे, पैर टूटे, तो ये वही है बस, और कुछ नहीं है। सीरियसली शास्त्र यही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वही पैसा है जो वही है, ये और कुछ नहीं है। पुलिस वालों पे झमेला, और ये डॉक्टरों पे झमेला, और ये वकीलों पे झमेला, ये वही झमेला है और कुछ नहीं है। कमाई का जन्म निकाला नहीं, अब कृष्णा ने ले लिया सारा, जन्मली निकाल देना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रणाम। प्रभु यहाँ पे सत्संग था, लेकिन प्रभु जी आपकी बहुत अच्छी क्लास के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जब से ये सब टॉपिक सुना था, मैंने देखा तो मुझे लगा पता नहीं कि लोगों को क्या क्लास हो पाएगी, लेकिन बहुत अच्छी प्रभु जी आपने सिखा दिया कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों से हम कैसे कृष्णा को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस क्लास से ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है डेली डेली, कुछ और हायर, कुछ और हायर होता जाता है। आप सब लोग कर सकते हो ये काम, बस आप थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा फॉलो करो, हर चीज तो भगवान की है, तो कोई भी टॉपिक से कुछ भी निकल सकता है। मैंने एक बार सेंटर में बात बोली थी, पता नहीं कोई था नहीं था, मैंने कहा कोई भी प्रश्न का जवाब गीता में है, हर प्रश्न का,
जो आपके माइंड में उल्टा प्रश्न है उसका सीधा जवाब गीता में है, जो आप सोच रहे हो उल्टा प्रश्न गीता में सबके जवाब है। ये भी प्रश्न है ना आपका कि अदरक वाली चाय क्यों पीनी चाहिए, उसका भी जवाब गीता में है। राइट साइड पे सोना चाहिए लेफ्ट, उसका भी जवाब। जो आप उल्टा सीधा प्रश्न कि नीले पेन से क्यों लिखे, ये उल्टे सवाल है, इसका भी जवाब गीता में है। मतलब आप गीता पढ़ते हो, जवाब का मतलब है तो आप सब जानते हो, इस जगत में आप सब जान सकते हो भगवान। इसलिए ये 700 श्लोक अगर आप समझ गए तो पूरा विश्व समझ सकते हो, आप कृष्ण को भी समझ सकते हो। हम यही नहीं समझ पाते, हम 10 साल 20 साल लगा देते हैं और हमें 10 श्लोकों का अर्थ नहीं पता, क्या फायदा। मंदिर में रोज दर्शन करना और गीता का एक श्लोक समझ के जीवन अप्लाई करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है मंदिर में रोज दर्शन करने से भी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, ये वाइंड अप करें। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु कृष्णा आवाज आ रही है। हुँ. जी दंड प्रणाम। प्रभु जी एक ना क्वेश्चन ये आया कि देव शयनी काशी और देव उठनी काशी है, तो इन्हें देव शयनी और देव उठनी क्या क्यों कहते हैं? क्या देव सो जाते हैं और देव उठ जाते हैं? देखो, देव सोते हैं देव उठते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, इनको नाम जरूर दिया गया लेकिन इसका जो मेन अर्थ ये है कि देवता लोग आपके जो बुरे कर्म हैं, जो आप गंदे काम करते हो, इस महीने देखने काम करते हैं, इसलिए भजन कर लो। जब उड़ जाते हैं फिर दंड देना शुरू कर दे, 4 महीने आपको बोनस दिया जाता है। सोने का मतलब है वो अपने एक्शन में सो गए, है ना, जैसे कार्लो दक्षाई विष्णु हमेशा लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं क्या, उनके रोम से प्रकृति बन रही है, तो सोते नहीं है, सोते हैं मतलब वो अपने एक्शन में सो जाते हैं। आप इस महीने कुछ करो, आपको भगवान के कर्म करो, 19-20 दिन कम होंगे तो आपको अवसर दिया जाता है 4 महीने का चतुर्मास में, आप कुछ करो। उनका सोना जागना इतना इम्पोर्टेंट क्या है, वो तो क्या करेंगे, सो कैसे जाते हैं। देवता सो गया तो सूर्य ने क्या, इन 4 महीने सूर्य जी ने रोशनी देनी बंद कर दी क्या, इंद्र इन 4 महीने में बारिश नहीं करते क्या, चंद्रमा रात को निकलना बंद हो जाते हैं इन 4 महीने, इंद्र क्या बारिश देना बंद कर दिया इन 4 महीने, बल्कि इन 4 महीने में ज्यादा बारिश, कौन सा देवता सो रहा है। सोने का मतलब है देवता विश्राम करता है, आपके अर्थों के प्रति विश्राम है ये। तो इस 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है, भक्ति करने का मास, ये 4 महीने डिस्काउंटेड पीरियड है, उसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो देवता लोग कहते हैं शादी ब्याह में ज्यादा मत घूमो, शादियां वादियां छोड़ो, भजन करो आगे कर लेना, देवता जाग जाएंगे शादियां करेंगे। तो इसलिए भक्त को इन 4 महीनों में भी शादियां करने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ दिव्य स्तर पर चल रहा है ना, सब कुछ दिव्य स्तर पर चल रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हरे कृष्ण। मतलब ऐसे ये बस बोलने के लिए हम बोल देते हैं, क्योंकि जो कर्मिक लोग हैं वो ये सोचते हैं कि देवता तो सो गए हैं, तो अब ये मतलब भगवान सो गए हैं तो अब शिव जी संभालेंगे, अब दुर्गा मैया संभालेगी, अब गणेश जी संभालेंगे 4 महीने, ऐसे बोलते हैं ना कर्मिक लोग। तो इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन आया था क्लास में कल, मैं तो आज प्रभु जी से डिस्कस भगवान करूंगी। का एक क्षण रुक जाए ना, एक क्षण तो सृष्टि चलना बंद हो जाएगी, एक क्षण रुक जाए, सोना तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण भगवान ने अगर कर दिया तो सब बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी बोलते हैं कि सब भगवान है ना, कर्मी लोग तो सब कुछ कर्म कांड के आधार पे बोलते हैं। कर्म कांड होता क्या है, कर्म कांड की डेफिनेशन 4 शब्दों में या 5 शब्दों में, कर्म कांड क्या है, जो कर्म बिना ज्ञान के किया जाए, 7 शब्द वो कर्म कांड है। जो कर्म दो, जो और कर्म बिना 3, ज्ञान 4, के 5, 6, किया 7, जाए जाए वो कर्म कांड है। जो बिना ज्ञान के किया गया कर्म है वो सब कर्म कांड है। तो आपको कर्म कांड की कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं लेनी कि कर्म कांड ये होता है कर्म कांड वो होता है, बस यही कर्म कांड की डेफिनेशन है, जो कर्म बिना ज्ञान के किया जाए वो कर्म कांड है, बस 7 शब्दों में सिंपल सा कर्म कांड की डेफिनेशन है। और ज्ञान कांड क्या है, जो ज्ञान भगवान की सेवा में ना लगाया जाए वो ज्ञान कांड, 9 शब्दों में ज्ञान कांड की डेफिनेशन, ये कर्म कांड है ज्ञान कांड है। और ध्यान कांड, जिस ज्ञान से भगवान का ध्यान ना हो वो ज्ञान कांड, वो ध्यान कांड, तो ये ध्यान कांड है। तो कर्म कांड बिल्कुल कर्म कांड है, बिना ज्ञान के कर रहे हैं,
बिना बिल्कुल कर्म कांड है। इस महीने में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान सो रहे हैं, जन्म इस महीने में हो रहा है और भगवान सो रहे हैं, जन्माष्टमी इस महीने में आती है, राधाष्टमी इस महीने में आती है और भगवान सो रहे हैं, कार्तिक जिस महीने में लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं वो इस महीने में है लेकिन भगवान सो रहे हैं। सही है प्रभु जी, ये तो मैंने बोल दिया था कि शास्त्र का नॉलेज किसी को है नहीं, इसलिए शास्त्र के बिना अपने आप से लोग कुछ भी बोलते हैं कि अब ये शिव जी चलाएंगे महीना, अब गणेश जी चलाएंगे, अब दुर्गा मैया चलाएंगी, ये तो बोल दिया था। फिर भी लोग पूछ रहे थे कि ऐसे देव शयनी क्यों बोलते हैं, फिर देव उठनी क्यों बोलते हैं, फिर ऐसे। ठीक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। थैंक यू हरे गुरु जी, कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण, दृढ़ प्रणाम। जरूर। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, हरे दृढ़ कृष्ण, प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण, बताओ कनुप्रिया। जी प्रभु जी, इंदु माता जी का प्रश्न है, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा वो है जिस निद्रा में भगवान पड़े रहते हैं, योग निद्रा। योग में मतलब है जोड़ना, निद्रा मतलब सोना, सोते सोते भगवान इस जिस जगत को जोड़ रहे हैं वो योग निद्रा है, और भगवान योग निद्रा में पड़े रहते हैं, हमारी तरह निद्रा और सोते नहीं है, भगवान जाते जाते सोते सोते और सोते सोते भी जागते हैं, भगवान का दिव्य है, तो भगवान की योग निद्रा दिव्य है, पूरी सृष्टि योग निद्रा से ही प्रकट कर दी भगवान ने अपने रोमों से। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? सुजय प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी, कि ईश्वर ने ये जन्म मरण का साइकिल क्यों बनाया है? ईश्वर ने जन्म मरण का साइकिल नहीं बनाया है, हमने ये साइकिल बनाया है, हम भोगना चाहते हैं, और क्योंकि हम भोग सकते नहीं है, हमारी हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना भोगने का, तो हमें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि बनाया, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे, इसलिए मूर्ख है। हम तो भगवान के धाम में हमेशा आनंदित रह सकते हैं। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन निकल गए तो बता दो मुझे सारे क्वेश्चन। यस प्रभु जी, लास्ट प्रश्न है धानवी माता जी का। माता जी पूछ रही हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आफ्टर कंप्लीटिंग माय राउंड्स, इफ आई डू सम राउंड्स फॉर माय ओन सेल्फिश मोटिव, इज इट राइट? यस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन चैंट मोर एंड मोर, इट्स बेटर फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इट विल अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, डोंट वरी एंड गो अहेड, डोंट वरी एंड बहुत अच्छा, डोंट वरी, यू कैन कृष्णा ले सकते हो, कृष्णा से जो भी तुम्हारी जो भी कुछ है छीन सकते हो, ले सकते हो, मांग सकते हो, संसार से मांगने से अच्छा भगवान से मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, अब जैसे कल एकादशी है और ये पुरुषोत्तम मास के जो मतलब 5 दिन है, तो ये 5वें दिन एकादशी रखनी है, तो मतलब जैसे कल रखेंगे वैसे ही रखनी है कि भाई अगर हम कल निर्जला रखते हैं या हम फ्रूट पे रखते हैं तो 5वें दिन ऐसे ही रखनी है एकादशी? हम तो नहीं रखेंगे, आपने रखनी है तो रखो, हम तो एकादशी की तरह ही रखेंगे, और जैसे रखते हैं बाकी मर्जी है। एक्चुअली बोला नहीं है शास्त्रों में कि 5 दिन रखनी है, ऐसे ही लोग अपने हिसाब से, कुछ लोग इसी चक्करों में पड़े रहते हैं, पड़े रहो क्या दिक्कत है, 5 दिन में 5 श्लोक याद करो गीता के, 5 दिनों में 5 श्लोक याद करने हैं सबसे सुंदर, और 5 नए लोगों को प्रचार करना है सबसे सुंदर, ये सबसे सुंदर है ये एकादशी रखना, और 5 दिन के लिए ये ऐसे से कुछ कृष्णा देखो इससे कौन प्रसन्न हो रहा है, आप देखो आपकी एक्टिविटी से प्रसन्न क्यों, कृष्णा आपके भूखे रहने से क्यों प्रसन्न होंगे, कृष्णा अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हो, आप अपने पति के सामने 2 तरीके से प्रसन्न कर सकते हो अपने पति को, पहला प्रसन्न कर सकते हो, चलो वो कहेगा घूमने चलो, उनके साथ घूमने चलो, उनकी बात मान लियो, प्रसन्न हो गए, दूसरा आप प्रसन्न करते हो, देखो आज मैंने आपके लिए ये नहीं खाया, आज मैंने आपके लिए वो नहीं खाया, आज मैंने आपके लिए नहीं खाया, आपका अनुभव, तो बुद्धिमान पति होगा कहेगा मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मत खा, मेरे को क्यों ज्यादा फर्क, मेरे को क्या पसंद, तो असली प्रसन्नता भगवान को ये है कि भगवान के लिए कुछ करो, कुछ छोड़ो मत, हम तो कहते हैं 5 दिन में कल के दिन एकादशी रखो, बाकी 4 दिन अगर आपको आपका कौन मेंटर है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप मेरे अंडर हो तो मैं तो किसी को नहीं रेकमेंड करता 5 दिन रखो, महाराज ने मेरा 2 बार, नॉट इवन 1, 2 बार मेरा तोड़ा, एक बार 2012 में मुझे याद है गोवर्धन में मैंने बोला महाराज मैंने पूरे कार्तिक में ये छोड़ा है वो छोड़ा है, और कार्तिक के 6 दिन बचे थे, महाराज मेरे पास है, महाराज ने बोला क्या छोड़ा है आपने, मैंने बोला महाराज चावल छोड़े हैं, मीठा छोड़ा है,
महाराज मेरे साथ आए, महाराज ने मुझे चावल और मीठा खिलाया। महाराज कहते परेश किन चक्रों में पड़े, वहीं पे महाराज ने मुझे झाड़ दिया। फिर लेकिन मैं माना नहीं। उसके बाद 2013 में फिर कार्तिक का महीना, फिर गोवर्धन में रिट्रीट, सेम टाइम सेम वेन्यू। फिर पता चला कि मैंने 5 दिन के लिए, आखिरी 5 दिन थे, मैंने वो रखा है उसको क्या कहते हैं भीष्म पंचम। पहले दिन तो हमने एकादशी रख ली, सेकंड डे जब पहुंचा था महाराज को पता चला, महाराज ने बोला कि मैंने और एक और भक्त थे उन्होंने रखा। तो महाराज ने मेरे को और दोनों को बोला कि आज क्या करोगे। मैंने बोला महाराज आज भीष्म पंचक है, कल हमने आज कुछ गव्य लेंगे। महाराज कहते अब तुम्हें गव्य दिला था, मेरे रूम में आओ। महाराज ने रूम में लेके गए और पूरा प्रसाद खिलाया। महाराज ने कहा खाओ इसको। ये हमारे गुरु महाराज का मूड है जिनको हम फॉलो करते हैं। हम पता नहीं किनसे सीखते हैं, किनसे समझते हैं, हम अपने हिसाब से नए नए फंडास बनाते हैं। मैंने महाराज मुझे कहते कोई जरूरत नहीं है, जितना प्रभात ने बोला है उतना करो, इतनी ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ अपनी हेल्थ के लिए करना है तो पूरा जीवन चावल छोड़ो, आलू छोड़ो और कुछ छोड़ना छोड़ो। तो मेरे साथ तो 2 बार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एग्जाम्पल गुरु महाराज के माध्यम से मुझे मिला और इतना अच्छा सानिध्य मिला, इतनी अच्छी शिक्षा मिली। महाराज कहते प्रचार करो, छोड़ो ये क्या छोड़ना, क्या जोड़ना है वो समझो, क्या छोड़ना है, छोड़ना छोड़ना क्या है ये। मैंने देखे माताओं के अंदर ये क्वालिटी बहुत है, ये छोड़ देंगे हम। 5 श्लोक 5 दिन में याद करो, मुझे सुनाओ फोन पे। आई डोंट नो आप कहाँ रहते हो पर मुझे 5 श्लोक सुनाओ, या जानो को मिला को माता जी मैंने 5 दिन में 5 श्लोक याद, 5 भी 3 श्लोक याद करो, वो इसी जो याद है वो सुनाओ। और 3 नए लोगों को जाके बोलो कि भगवान का नाम है, 3 नए लोगों को बोलो कि उपदेश से जुड़े, तो उनका कल्याण होगा और उनका कल्याण होगा, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। आपके छोड़ने से पकड़ने से कृष्णा को क्या प्रसन्न है। और अगर वास्तव में कोई हेल्थ इश्यू है तो बेटर है छोड़ दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं है इससे। ये केवल हम लोगों ने इसको इतना एलैबोरेट कर दिया, माताओं का डिपार्टमेंट, मेजरली माताओं ने बहुत इसमें पंगा, सामक खाने हैं, ये खाना है, आज खिचड़ी खानी है, फलाना खाना है, इन्हीं में पड़े रहते हैं। एकादशी के दिन यही, अभी एकादशी होगी ना परसों, परसों जिसकी भी क्लास होगी यही क्वेश्चन आएंगे, प्रभु जी नमक कौन सा ले सकते हैं, दही कब खानी है, ये क्या है इसमें। बस एक बार पता चल गया किसी से पूछ लो। यहाँ पे ना सबको मना करो कि कोई भी ये फालतू वाले क्वेश्चन ना पूछे, ये वाले सामक खाना है, फलाना खाना है, ये खाना है। एक चार्ट बनाओ, ग्रुप में डाल दो उपदेश में, यहाँ पे मतलब इतना टाइम नहीं है फालतू की बातों में हम डिस्कशन करें क्या खाना है क्या नहीं खाना। सबसे सुंदर है निर्जला रहो, आज बता रहा हूँ, इसको ग्रुप में भी डाल दो। सबसे बेस्ट एकादशी है निर्जला रहो, अगर नहीं रह सकते तो फ्रूट लो, अगर फ्रूट और जल के साथ कुछ लेना है तो हल्का फुल्का कुछ ले लो, बस यही है, वो भी जो जो ग्रेन्स ना हो बस। ये फालतू के प्रश्न बार बार कि क्या खाए और क्या ना खाए, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन चीजों को इतना फोकस पे करने में। हमें एकादशी के दिन अच्छा भजन करके, एक प्रश्न पूछा मुझे पता नहीं है, और वो जानवा को 3 श्लोक सुनाए कि मैंने इन 5 दिनों में ये 3 श्लोक याद किए, कितना खुश होंगे कृष्णा, कितना खुश होंगे पता है। अब कृष्णा कहेंगे वंडरफुल वंडरफुल, आपके सब कुछ छोड़ने से अच्छा आप 3 श्लोक याद करो और नए 3 लोगों को उपदेश से जोड़ो। देखो आपका पूरा पूरा का पूरा 5 दिन सफल है, 100% सफल है। वो 3 लोगों में से एक भी भक्त बन गया, आपको जीवन भर उसकी उसका क्रेडिट जाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग पता है आपको क्या होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है जैसे ये कई लोग करते हैं, एक के साथ एक जोड़ो, उसका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट, ये भक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग ही है। आपके द्वारा बनाए गए जितने भी भक्त है सबका क्रेडिट कृष्णा आपके अकाउंट में डाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अकाउंट आपका जब मरने लगोगे, और हमारा मन बेशक संसार में होगा, भगवान कहेंगे नहीं इसका मन बेशक संसार में, इसे 50 भक्त बनाए हैं, 50ों में से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसकी जो गति है वो गति आपकी हो जाएगी। कितना फायदा है प्रचार करने का, कितना फायदा है, प्रचार करो, सीरियस हो और ये श्लोक गीता भागवत याद करो, जीवन में अप्लाई करो और 2-3 नए लोगों को जोड़ो। 5 दिन में 3 दिन दे, 3 श्लोक दे दिए, 5 भी नहीं दिए, 3 भी नहीं, 2 श्लोक सुनाओ, चलो खत्म। ये भी आपका धन्य है और कंसेशन। अब कितने रखना है वो आप पूछो, जिनके अंडर हो वो आपको कैसे गाइड करते हैं, आई डोंट नो आप किसके अंडर हो, हमारे अंडर हो किसके अंडर हो, हमारे अंडर जो भी है कोई फालतू चक्रों में ना पड़े, ठीक है ना। कोई 5 दिन 5 दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है, बस एकादशी रखनी है उसके बाद बाकी मंगल, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी वो जो आपने भी कर्मकांड ज्ञान कांड ध्यान कांड एक एक लाइन में बताया था, प्लीज प्रभु जी आप रिपीट कर लेंगे क्या, मुझे नोट डाउन करना था, स्लिप हो गया माइंड से।
प्रभु जी कर्मकांड का तो ऐसे कर्म जो बिना ज्ञान के किए जाए कर्मकांड कहलाते हैं, और प्रभु जी ज्ञान कांड और ध्यान कांड कर दीजिएगा। कर्म कांड वो होता है जो कर्म हम बिना ज्ञान के कर रहे हो कर्म कांड है, जो ज्ञान भगवान जिस ज्ञान से भगवान का वितरण नहीं हो रहा और ज्ञान चलता है वो ज्ञान कांड है, और जो ध्यान ज्ञान और कर्म ऐसा कर रहे हैं कि हमारा ध्यान भगवान में नहीं लग रहा वो ध्यान कांड है। तो ये कर्म कांड ध्यान कांड और ये ज्ञान कांड ऐसे ठीक है ना। एनीवे आपको हम एक चार्ट बना के भेजेंगे, ग्रुप में डाल दो कि कहाँ क्या क्या ले सकते हैं क्या क्या नहीं ले सकते, लोग कंफ्यूज ना हो। और बार बार हम चाहते हैं क्योंकि ये ना ये जो चीज है ना ये बहुत ही निम्न स्तर की, हम इतना बड़ा ज्ञान देते हैं गीता भागवत का, कहीं आप बताओ गीता में कहीं लिखा है सामक के चावल खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए? अगर बहुत जरूरी होता तो भगवान मेंशन करते ना गीता में, भगवान ने गीता में नहीं लिखा सामक के चावल खाने चाहिए स्नाना करना चाहिए भीष्म पंचक रखना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया कि आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्ध है और कौन सा संग त्यक्त तो आसक्ति छोड़ दो इस जगत, बस योगी कर्म कुरवंती और अपने काम कर्म योगियों की तरह करो और सेवाएं करो अच्छे तरीके से। आप हम सब लोगों को प्रचारक बनना है, हम सबको एक को नहीं। मैं चाहता हूँ उपदेश, केवल उपदेश ये नहीं है कि ज्ञान लो, उपदेश सीख के हर कोई प्रचारक बने तो उपदेश सक्सेसफुल है, ये उपदेश का मंत्र है। हम चाहते हैं हर कोई प्रचारक बने, हर कोई ज्ञान ना ले, ज्ञान लेके हर कोई प्रचारक बन जाए, ये हमारा हमारा उद्देश्य है। आप लोग प्रचारक बनो, और क्यों प्रचारक बनो, क्योंकि बहुत जरूरत है, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। आप दिल्ली में रहते हो आसपास रहते हो, आप लोग देखोगे लोग कुछ नहीं जानते, मनुष्य ना जाना तू कुछ नहीं जानता, इतना दुख होता है लोगों को देख के, दुख होता है। लोग हमें गाली देते हैं ना, हमें बुरा बोलते हैं, हमें वो सुन के दुख नहीं होता, हमें ये देख के दुख होता है कि उनको कुछ नहीं आता। हमें कोई फर्क नहीं, हमें कोई गाली देने क्या फर्क पड़ता, अपना मुंह गंदा कर रहा है, हमें दुख ही होता है ना, कुछ नहीं आता, लोगों को कुछ आता ही नहीं है, इतने डफर है लोग, इतने डफर है, गधे से भी बड़े बुरा हाल है उनका, डफर। खाने की तमीज नहीं है, पहनने का तमीज नहीं है, रखने कोई बिल्कुल नहीं आता, लोग बिल्कुल अनसिविलाइज, बस थोड़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं और सोचते हैं हम सिविलाइज हो गए, बस आज के टाइम में यही एक सिविलाइजेशन है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है आप सिविलाइज हो, बस यही सिविलाइजेशन का आज के टाइम में भारत में तो यही फॉर्मूला रह गया बस। और ये भाषा तो एक सिर्फ मीडियम है, ये सिविलाइजेशन नहीं है। आप इंग्लिश बोल के या फ्रेंच बोल के या स्पेनिश बोल के आप अंदर से खुशी नहीं रह सकते, आप गूंगे भी हो लेकिन आप भगवान से जुड़े हो आप अंदर से खुश रह सकते। जड़ भरत तो बोलता ही नहीं था कुछ, जो चुप रहते थे, बोलते नहीं थे कुछ, गूंगा रहते थे हमेशा गूंगा, और एक बार बोले और रहुगण को पूरी की पूरी टीच कर दी भागवत, बस बस ये हमारा, ये हमारी सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड है। सब लोग मन से दुखी है, सब लोग आत्मा के लेवल पे दुखी है, हम लोग प्रगति नहीं करना, हम लोग कोई गीता नहीं पढ़ता, कोई भागवत नहीं पढ़ता, कितना दुख का विषय है कि आधे से ज्यादा लोगों के तो घरों में ही नहीं है हरे कृष्ण। अब ये क्वेश्चन आया है, ये लड़की मिलती है या लड़का है जो भी है, क्या नाम है, कुमकुम, कि अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का वृतांत का क्या मतलब है? भगवान का नाम तो देना चाहिए, महिमा नहीं बतानी चाहिए, नाम लोगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये नहीं, महिमा मत बताओ नाम की, क्योंकि अब इतनी महिमा बताओगे क्योंकि वो खुद ही महिमा मंडल पति है, वो कहाँ किसी की महिमा सुन सकता है। उसको बोलो नाम लो, नाम लेने से ना क्या होता है, कलयुग में सब भगवान ने बोला कि मेरे को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन है भगवान का नाम, कलयुग का युग धर्म है हरि नाम, महिमा मत बताओ, ऊपर ऊपर से बता दो नाम के बारे में, ठीक है हरे कृष्ण जी प्रभु जी। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे होते हैं जो बस डिबेट करने लग जाते हैं भगवान के नाम पर, तो उनको क्या बोले? अंदर से गुस्सा तो बहुत आता है पर अब क्या बोले? ऐसे लोगों को अभी थोड़ा टाइम तुम्हारा बढ़ेगा ना भक्ति का, तो तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चरित्र तुम्हारा आंसर दे देगा। जब तुम्हारा चरित्र देखेंगे ना, जब तुम्हारा चरित्र इतना ऊंचा होगा, तुम्हारे विचार इतने ऊंचे होंगे, तुम्हारा ज्ञान इतना ऊंचा होगा, फिर वो अपने आप ही तुमसे समझ जाएंगे। कई आंसर ऐसे होते हैं जो मुंह से देने नहीं होते, वो केवल आपके एक्शन से ही निकल के आते हैं बाहर। तो ये जो जितना अध्यात्म है वो आपके आपके हाव भाव आपके पर्सनैलिटी में ही आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी आंसर है और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे देखना, जब थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा, गीता बढ़ेगी, भागवत बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, तो तुम देखना आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा, ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, जन्म प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी जैसे सुबह माला करते हैं, मतलब ध्यान पूर्वक माला हो जाती है सुबह, मतलब लेकिन प्रभु जी सुबह तो मन लगता है, लेकिन प्रभु जी जब
जैसे जहाँ 7-8 बजे प्रभु जी, उसके बाद में मतलब माला में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि सतोगुणी जो समय होता है ना सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, वो ब्रह्म का मुहूर्त है। ब्रह्म मतलब भगवान का मुहूर्त है। तो जैसे हर मुहूर्त में सूर्य जाते हैं ना, जब हर राशि में सूर्य जाते हैं तो मुहूर्त बनते हैं। तो जब सुबह की राशि में भगवान जाते हैं और तब एक मुहूर्त बनता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो वो मुहूर्त से सारे काम होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से बनता है। लेकिन 9-10 बजे तक भी करो, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में माला करना बहुत अच्छा है, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। होता क्या, जब आप सो के उठते हो ना, सो के उठने से भी हमारा माइंड थोड़ा खाली होता है, तो भगवान को डाल सकते हैं। जब पूरा दिन थके होते हैं ना, फिर भगवान को डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी संसार का कबाड़ डाल चुके होते हैं, बहुत ज्यादा संसार का कबाड़ डल चुका होता है, इसलिए भगवान डलते नहीं है, ठीक है ना, ये भी एक रीजन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बच जाती है ना कुछ माला, जैसे सुबह से मतलब सुबह करते हैं तो रह जाती है, लेकिन प्रभु जी जिस मतलब जिस तरह से सुबह हो पाती है ना प्रभु जी, वो मन मतलब शाम के टाइम में फिर उसके बाद में नहीं रह पाता। ओके, तभी तो प्रभुपाद जी ने बोला सेवा करो, इसलिए माला करो सुबह 8-10-12-14 जितनी होती है करो, बाकी 2-4 रुक गई ना दिन में करो, तो उसका कंपनसेशन के लिए सेवाएं करो, थोड़ा सा भक्तों से बात करो, थोड़ा गीता भागवत पढ़ो, तो वो अच्छा है। मैं तो सच्ची बताऊं, मेरे साथ तो मैं माला तो दिन में कर लेता हूँ, माला तो दिन में कई बार हो जाती है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो मैंने अपना अनुभव किया, ब्रह्म मुहूर्त में जो मैं पढ़ता हूँ ना सुबह 5-7 बजे तक भी, वो मेरे दिमाग में रुक जाता है, सारे श्लोक मैं सुबह याद कर सकता हूँ, दिन में मेरे से श्लोक याद नहीं होते, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे 2 बार पढ़ लेता हूँ, वो याद हो जाता है श्लोक। तो मैं तो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाता हूँ रीडिंग में, पढ़ने में, और माला भी कर लेता हूँ 8-10, ताकि मैं माला अभी अभी मेरी 12 माला हुई है, 4 माला अभी मैं कर लूंगा, ठीक है, अभी मैं, मेरे को पूरा दिन है, मैं 4 माला कभी भी कर लूंगा, 10 बजे 11 बजे 12 बजे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप प्रचारक हो तो। प्रभुपाद जी सारी की सारी, प्रभुपाद जी ने जितने ग्रंथ लिखे, भक्ति विनोद ठाकुर ने जितने ग्रंथ लिखे, सारे ब्रह्म मुहूर्त में लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, नहीं 4 बजे तक ग्रंथ ही लिखते थे और कुछ काम ही नहीं करते थे। बड़ा सुंदर दिमाग होता है, उस समय आप पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ोगे आपके दिमाग में जाएगा। जो बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं उनको भी सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, वो जो पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, रुक जाएगी। आजकल बच्चे उल्टे हैं, रात को 9-10 बजे 11 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, क्या उनके दिमाग में जाएगा, पागल है। तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, सो के उठ के पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अच्छे से समझना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गुरु महाराज से भी बात हुई थी, तो गुरु महाराज भी बता रहे थे कि मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किताबें लिख रहा हूँ, कहते उस समय सब माला करते हैं लेकिन मैं किताबें लिखता हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बिल्कुल महाराज जो कह रहे हो मैंने अनुभव किया, मेरे को पूरा दिन, मेरे से एक श्लोक याद करने मेरी नानी याद आ जाती है, 2 श्लोक याद नहीं होते, समझ में ही नहीं आते, और ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं 10 क्लास ले सकता हूँ, 10 से 15 क्लास पूरा दिन ले सकता हूँ क्लास, इतनी शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ, और दूसरी बात है कि जैसे मैं बोला था कि सेवा में 2000 रुपए देने के लिए, तो अभी तक नहीं दे पाया, मैं डेली दिन रखता हूँ, आज छोड़ूंगा, आज करते करते 5 दिन हो गए। सुंदर चाहिए, मैंने आपको बोला था आप क्यों नहीं देते इनको नंबर, मैं देता हूँ, आप जानने वाले नंबर पे डायल करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंबर मिला है लेकिन मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, और मेरे अकाउंट नंबर माता जी ने दिया है, सीता माई ने दिया है, मतलब मन पता नहीं क्या करो। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप कर दो, सॉरी पेटीएम कर दो। हरे कृष्ण। और अब इस नंबर पे पेटीएम कर दो, नंबर लिख लो, मैं दे रहा हूँ आपको, नाम भी दे दिया, अब इस पे डाल दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन रखता हूँ कि आज छोड़ूंगा, आज निकल जाता है, दिन आज सुबह सुबह सोचता है कि आज। मैं आपको सुनो, मैं आपको एक दान का एक नियम सिखाता हूँ, दान देने का, जिस समय आए ना उस समय हो जाता है तो हो जाता है, बाद में होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसी समय जब भी मन करे ना देने का, जैसे हम अभी गए तो कुछ हमने कुछ करना था, तो हमने कहा इमीडिएटली अभी पहला काम ये करना है, हमने वही किया, बाकी काम बाद में। बल्कि मैंने उस बच्चे को बोला तो प्रसाद भी बाद में भाई, तो चल मेरे साथ पहले ये वस्तु खरीदनी है, अभी खरीदनी है, इमीडिएटली खरीदनी है, सारे काम छोड़ के, क्योंकि उसी समय हो गया, बाद में नहीं होता, ये इसका नियम है। जब भी अच्छे विचार आए तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना, जब बाद में लिंगर ऑन करोगे
तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बात है प्रभु जी कि याद तो डेली रहता है। जब मैं ट्यूशन जाऊंगा, आज अभी जाऊंगा छोड़ने के लिए, बस खाना खाता हूँ, खाने के बाद बस फिर भूल जाता है। फिर जैसे मीटिंग का समय आता है, फिर मेरे को याद आता है कि देखो आज सोचता हूँ आज जाकर छोड़ के ही कुछ काम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फटाफट एक दो क्वेश्चन देते हैं, मेरे पास कुछ काम भी है, जाना भी है। पूजा नायक का क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब प्रभु जी जॉब पर बहुत बेस्ट स्टेप डिस्टर्ब करते हैं, क्लास लेने में जब क्लास का टाइम होता है वो लोग सॉन्ग सुनने लगते हैं, तो आप कुछ नहीं करते, भौतिक जगत में रहने के लड़ तो सकते नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस को उठाओ, उस समय ना भी सुनो, रिकॉर्डिंग में सुन लो, कुछ ऐसा करो। एक और क्वेश्चन है श्रवणी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, मेरे फादर इन लॉ नॉन वेज लेते हैं, पर उनके बेस्ट फ्रेंड श्री संप्रदाय से कनेक्टेड थे और उन्होंने उन्हें तुलसी माला दी पहनने के लिए मैनी इयर्स बैक, और वो अभी भी पहनते हैं डेली। तो आपके फादर इन लॉ है, तो अगर आपका अधिकार है तो बोलो, नहीं तो उनको पहनने दो, आपका अधिकार ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना, आप उनसे अधिकार में छोटे हो तो वो बुरा मान जाएंगे। या तो बेटी वाला अधिकार बना लो, जैसे बेटी का पिता पे अधिकार है, तो पिता पे अधिकार है, तो इस जगत में आप किसी को भी कोई राय दे रहे हो तो देखो आपका कितना अधिकार है, तो फायदा वरना नहीं है। तो आपका अधिकार यहाँ असर करेगा, सही गलत से परे की बात है, वैसे तो गलत है। नॉनवेज आप प्याज लहसुन खा रहे हो तो आप कंठी पहन लो, नॉनवेज वाले को नहीं पहननी चाहिए, लेकिन आप देखो आपका अधिकार कितना। अगर आपका बेटी है, अगर वो आपको बेटी समझ रहे हैं और आपको लगता है कि वही वाला अधिकार दे दिया जो एक बेटी एक बेटी को एक पिता देते हैं, तो आप उनको समझाओ कि आप पापा अब आपकी उम्र भी ज्यादा हो रही है, अब आप छोड़ दो, आप गंदी चीजें आप क्या दिख रखे हैं। ठीक है ना, या तो बोल दो, और अब कंठी भी पहनी है, इसकी बड़ी बड़ी बड़ा रहस्य है, इसको पान पहन के खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अधिकार नहीं है और बहू वाला अधिकार है, क्यों बोला तूने, तो कोई जरूरत नहीं है बोलने की, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो। तो कई कार्य केवल अधिकार के, भगवान कह रहे कर्मण्य में अधिकार से माफ आदेश कदा चल, आपको कर्म करने का अधिकार है और अधिकार कर्म करने का, तो आपका यहाँ पे कर्म का अधिकार है, मुझे पता नहीं है आपका अधिकार कितना। ठीक है ना, इसलिए आप अपने अधिकार में रह के कार्य करो। आपके फादर इन लॉ आपके फादर नहीं है, आपके फादर होते तो आपका पूरा अधिकार होता, क्योंकि तो बेटी अगर बाप को कुछ कह भी देगी और गलत भी है तो बाप फिर भी माफ कर देगा, लेकिन बहू का एक अलग वर्चस्व है ना, मेरे को बोल दिया, हमारे घर में आई है, हमें सिखाएगी, तो अननेसेसरी आपके बेटे आपके पति को बोले और आपका फैमिली लाइफ खराब ना हो जाए। तो इसलिए आप देखो, आप अधिकार मिल जाए जिस दिन उस दिन बोल देना। ठीक है ना, उस दिन बोल देना, कभी अवसर मिल जाए, कोई बात चल रही हो, अधिकार निकलेगी, आज मेरा अधिकार है, बोलने से पहले सोचना कितना अधिकार है। हाँ, आपके बच्चे हैं, अगर आपके दो तीन जितने बच्चे हैं उन पे आपका अधिकार है, उनको डांट भी सकती है, उनके कान भी खींच सकते हैं, अधिकार है आपका। ठीक है ना, आपकी छोटी बहन है, आपको फॉलो करती है, आपका अधिकार है, अधिकार के हिसाब से काम चलेगा, वरना नहीं। आप वरना बेकार है बोलना, अपना इज्जत गंवाने वाली बात है। ठीक है, हरे कृष्ण, उनके लिए प्रार्थना करो बस।